नमस्ते, माय सेल्फ वी चंपा मजुमदार। आई एम चीफ क्लिनिकल डाइटिशियन इन अपोलो हॉस्पिटल्स बिलासपुर। अभी 14 नवंबर को हमारा वर्ल्ड डायबिटीज डे का एक दिवस था, जिसमें कि डायबिटीज पेशेंट्स के बारे में हमें कुछ चर्चा करनी थी। उसी से संबंधित मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि हमारे डायबिटीज पेशेंट जो है वो सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और उसके लिए कुछ मैं दो तीन टिप्स, इम्पॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगी, और वो अगर उनको ध्यान रखते हैं तो उनकी काफ़ी हद तक उनकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, और जिससे कि वो सेफ रहते हैं और उनके हार्ट किडनी में जो असर होने की संभावना होती है वो कम होती है। सबसे पहला मैं ये कहना चाहूँगी कि डायबिटीज पेशेंट जो हैं वो हमेशा अपना वज़न को कंट्रोल रखें, कोशिश करें कि उनकी जितनी हाइट सेंटीमीटर में है, अगर मान लीजिए 167 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, तो एटलीस्ट 65 से 67 तक उसका वेट रहे। और अगर उसका हाइट मान लीजिए 160 सेंटीमीटर है तो 60 केजी तक उसका वेट रहे, 58 से 60 केजी तक वेट, सो दैट ये ऑलमोस्ट आइडियल वेट में इसको कहा गिना जाता है, और इसको सबसे पहले टारगेट लेके चलें। दूसरी बात यह है कि डायबिटीज पेशेंट का जो डाइट, फूड का जो समय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हम समय आपको बताएंगे इसी समय में डायबिटिक पेशेंट का हाइपोग्लाइसेमिक होने की टेंडेंसी होती है। और साथ ही साथ हम जब इसको समय पे भोजन नहीं लेते हैं और उसके कारण ही उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ड्रॉप कर जाता है, हाइपोग्लाइसेमिक होता है, और उसके बाद जब वो खा रहे हैं वो सडनली हाइपर होके, हो सकता है वो एकदम से जैसे भूख लगी बहुत ज़्यादा खाए और वो हाइपरग्लाइसिक में वो चला जाता है। ये जो हाइपो और हाइपर का जो फ्लक्चुएशन हुआ ये ही जाके आपके हार्ट और किडनी में असर करता है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि हम समय पे भोजन ज़रूर करें। समय कौन सा है ये मैं आपको बताऊंगी, जो आप नोट कर लीजिए अगर आपके पास कागज पेन है तो। सुबह जैसे ही आप उठते हैं, उठ के सबसे पहले एक्सरसाइज रूटीन बना के रखिए कि आपके 7 दिन, आपके जो सप्ताह के 7 दिन है उसमें 5 दिन एटलीस्ट आप जरूर वॉक करिए, ब्रिस्क वॉक करिए। अगर ज़्यादा तेज नहीं चल सकते हैं तो आराम से चलिए, लेकिन 30 से 45 मिनट एक चलने का रूटीन बनाइए सुबह उठ के। और जो डाइट है उसका सबसे प्रथम जो है हमारा टाइमिंग जो होता है हाइपोग्लाइसेमिक का, दैट इज 6 o'clock। 6 बजे सुबह आप अपनी कोई, जिसको भी चाय लेने की आदत है, एक कप चाय बिना शक्कर की, साथ में 1 या 2 मैरी बिस्किट जरूर लीजिए। फिर आपका ब्रेकफास्ट जो टाइमिंग होता है दैट इज बिटवीन 8 to 9, दैट इज द इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ द डायबिटिक पेशेंट। इवन जनरल लोगों को भी इस समय फॉलो करना चाहिए अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए। और इस समय आपको ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद आपका समय आता है मिड मॉर्निंग, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो समय होता है 10:30-11 बजे, उस समय एक डायबिटिक पेशेंट एक फल खा सकता है। बहुत ज़्यादा ऐसे मिथ हैं कि फल नहीं खाना है, फल ज़रूर खाइए, लेकिन कोशिश करिए 50 से 100 ग्राम मतलब एक छोटा साइज का जो फल है, सेब है, एप्पल है, मौसम्बी है, आप ले सकते हैं 50 से 100 ग्राम कोई भी एक फल। जूसेस बिल्कुल नहीं लेना है डायबिटिक को, एक फल ज़रूर खा सकते हैं। और फल में हम जो मना करते, जो बहुत ज़्यादा मीठा होता है वो है चीकू है, आम है, इसको हम मना करते हैं, सीताफल है। बाकी इसके अलावा सभी फल आप 50 से 100 ग्राम एक आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि समय लेना है, वो समय आपको मैं बता रही हूँ 10:30 से 11, मतलब ब्रेकफास्ट लंच के बीच में। उसके बाद तो लंच का समय है आपका, उस समय में आपको 1 बजे से 1:30 बजे तक आपका लंच ज़रूर हो जाना चाहिए। उस लंच का समय में आपको फॉलो करने से आपका ब्लड शुगर लेवल जो है कंट्रोल रहेगा। कोशिश करिए कि एक नॉर्मल व्यक्ति की अगर हम बात करें तो सुबह 3 रोटी ले सकते हैं नाश्ते में, छोटी पतली रोटी सब्जी के साथ और 1 ग्लास दूध के साथ। और 1 बजे जो खाना है, खाने में आप पतली छोटी 3-4 रोटियां और 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, दही, सलाद ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन में सलाद रखिए। और फिर उसके बाद शाम को 4-5 बजे आप 1 कप चाय लीजिए सिर्फ, और चाय के साथ बिना शक्कर की 1 या 2 मैरी बिस्किट या 3 एरोरूट बिस्किट, इस तरीके के बिस्किट्स आप ले सकते हैं, और ये आपके लिए पर्याप्त है। अगर बहुत ज़्यादा अगर भूख लगती है शाम को आपको, तब जैसे थोड़ा 1 कटोरी छोटी कटोरी स्प्राउट ले सकते हैं या रोस्टेड चना ले सकते हैं। फिर सीधा आप डिनर जल्दी करिए,
डिनर कोशिश करिए 7:30 से 8 के बीच, 8 तक आपका डिनर हो जाए। बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट डिनर के लिए लेट ना करें। और रात को जो है 3 रोटी सब्जी दाल सलाद लें ज़्यादा से ज़्यादा। रात को चावल और दही ना लें। और सोते हैं जब, जैसे आप बेड टाइम है आपका, जैसे लेट नहीं जा रहे हैं, उस समय आप ठीक सोने के पहले आप करीब 10:30-11 बजे 1 कप दूध 100 to 150 ml मिल्क थोड़ा सा इसीलिए लेना है, सो दैट जो होल नाइट जो एम्प्टी स्टमक रहता है, करीब 2-3 बजे एक हाइपोग्लासीमिक होने के एपिसोड होने की टेंडेंसी रहती है कई बार डायबिटिक की, उसको सेव करने के लिए करीब 11 बजे 1 कप दूध पी के जरूर सोइए। ये समय को हमेशा ध्यान रखिए। दूसरा जैसे कि बनाया, रोज 30 से 45 मिनट रोज वॉक करिए। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है, मात्रा। मात्रा आप एक डाइटिशियन जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है उससे आपके BMI के अनुसार आपको कितने कैलोरी डाइट लेनी है दिन भर में वो आप निर्धारित करवाइए। चौथी चीज, आपके खाने में तेल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, रोटी चावल को कम कर देते हैं लेकिन तेल की मात्रा को कम नहीं करते हैं। वो हमारे इंडियन फूड्स में जो तेल का कंजप्शन है उसको कंटिन्यू करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की तो ज़रूरत है, फैट की मात्रा कम करके आपको कैलोरीज कम करनी है। फैट की मात्रा को आप कैसे निर्धारित करेंगे, उसको आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक पेशेंट को प्रतिदिन 2 से 3 चम्मच तेल कुकिंग ऑयल यूज़ करना चाहिए। 2 से 3 चम्मच मतलब होता है 10 to 15 ml। 10 to 15 ml आपका कुकिंग ऑयल जो है वो यूज़ उतना ही करें पूरे दिन भर में 24 घंटे में। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो तेल आप कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो चेंज करते रहें आप। जैसे कि एक महीना आपने लिए सनफ्लावर, अगले महीना सफोला, उसके अगले महीने सनफ्लावर, राइस ब्रान, इस तरीके से आप बीच बीच में अपने ऑयल्स को यूज़ करिए चेंज करके। और समय मात्रा के साथ ऑयल कंजप्शन और एक्स्ट्रा सॉल्ट बिल्कुल ना लें। डायबिटीज़ की एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, काफ़ी लोग सोचते हैं मुझे तो BP नहीं है, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है तो मैं क्यों नमक का परहेज करूं। लेकिन डायबिटीज़ पेशेंट को भी नमक का परहेज रखना चाहिए सो दैट इन फ्यूचर जाके उनका फ्लूइड रिटेन या हार्ट का प्रॉब्लम या फिर BP का प्रॉब्लम ना हो, जिस वजह से आपको एक छोटा चम्मच नमक जो होता है 5 ग्राम उतना नमक उनको दिन भर में ले, उससे ज़्यादा नमक ना ले। और भोजन पकाते समय ही इतना ले, ऊपर से छिड़क के जो हम नमक लेते हैं उसका हम आदत ना रखें। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, समय का, मात्रा का, तेल का जो मैंने कंजप्शन बताया, नमक का, और साथ ही साथ आपका पानी का। पानी एक ऐसा है जो आपके हर तरीके के आपके शरीर की टॉक्सिक चीज़ों को एक्सक्रीट करती है, इसीलिए पानी हमेशा 3 लीटर तक पानी, 4 लीटर तक पानी लेना अनिवार्य है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको पानी जो ले रहे हैं उसका ध्यान रखिएगा, जितना आप पी रहे हैं उतना ही आपका एक्सक्रीशन भी होना चाहिए, सो दैट आपके बॉडी में एडिमा, फूड सूजन, इस तरीके की चीज़ें तो नहीं है जिससे कि आपका जो टाइमिंग ऑफ इंसुलिन या मेडिसिन है उसके साथ साथ ये डाइट का टाइमिंग फॉलो करने से आपको इस डायबिटीज़ में काफ़ी आपको सहायता मिलेगी ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू।